हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन मैथ्स क्लास। टुडे आई एम हियर विथ एक्सरसाइज नंबर 14.2। इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट इट इन प्रीवियस वीडियो, बट अगेन आई वांट टू टेल यू। Suppose that this is a figure of circle, ये circle है और इस circle को ये कहीं भी point मानिए और उसके चारों तरफ की length को नाप लीजिए। नापने पर जो आएगा वही circumference होगा। इसका हमने next previous video में बताया था, जब circle रहा आप करते हैं तो इस तरह का एक डॉट बनता है, इस डॉट का नाम है सेंटर। और इस सेंटर से सर्कल को कहीं भी आप ज्वाइन कर दीजिए तो जो डिस्टेंस बनती है एक साइड में, इस सेंटर से सर्कल को एक साइड में आप ज्वाइन कराइए, जो डिस्टेंस आएगी दैट इज रेडियस। अगर इस सेंटर से दोनों साइड में आप मिला दीजिए सर्कल से तो वो हो जाता है डायमीटर, मतलब दिस इज डायमीटर और दिस इज रेडियस होता है। जैसे ये सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला देखिए यहां पर दिया गया है, 3.14 मल्टीप्लाई डी। डी का मतलब डायमीटर, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा उसका मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हैं, डी करते हैं, तो आपका सर्कमफ्रेंस आ जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? क्या करना है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए आपको 3.14 में डी का मल्टीप्लाई करना है। डी मीन्स डायमीटर होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां से यहां तक रेडियस है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और इसको और दूसरी साइड भी बढ़ा दिया जाए। हमने कहा सेंटर से दोनों साइड में आप सर्कल को ज्वाइन कर दीजिए तो जो लेंथ बनती है दैट इज डायमीटर। अब एक साइड का हमने बताया 3 सेंटीमीटर है तो इतना ही तो इधर भी होगा, तो 3 ये हो गया और डायमीटर मिल जाएगा 3 और 3 मिला करके 6 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। इसी 6 से 3.14 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस सर्कल का डायमीटर है उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड हो जाएगा। आई हैव रिटन हियर ए क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। लेट अस सी व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब है आप अपने कंपास में और पेंसिल में 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। जैसे भी प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने 4-5 सर्कल बनाए होंगे तो इसमें भी क्या कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लीजिए और उस रेडियस से एक सर्कल बना दीजिए। मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर वाला जो रेडियस था उससे आपका ये सर्कल बनता है, आपने ये सर्कल बना दिया, ठीक। चलिए तो कह रहा है कि आल्सो वेरीफाई द फाइंड इट सर्कमफ्रेंस। जो ये सर्कल 3.5 रेडियस से बना उसका आपको क्या फाइंड करना है कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है? यूजिंग ए थ्रेड। एक थ्रेड मतलब एक धागा ले लीजिए, उससे थ्रेड से इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। थ्रेड से कैसे होगा? हमने बताया कि इस सर्कल के चारों तरफ की लेंथ को यदि नाप लिया जाए तो वही सर्कमफ्रेंस होता है। और थ्रेड से कह रहा है तो आप पहले 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल कंपास और पेंसिल से बना देंगे। बनाने के बाद इस तरह से आप कोई थ्रेड से लेंगे और कहीं भी आप रखिए इसको, जैसे यहां पर रख करके
इसके चारों तरफ इस सर्कल पर, यहां पर देखिए बोर्ड है, बोर्ड पर पेंसिल जा रहा है, तो इसको आप चारों तरफ रखेंगे। ये ऐसे इस पर आप पूरा इसी सर्कल के ऊपर आप इसको फैलाएंगे इस तरह से, और उसके बाद आप मेजर कर लेंगे। जैसे ये है, यहां पर आपको कॉपी पर जब आप बनाएंगे तो उसमें नहीं फिसलेगा, और इसी पर आपको ऐसे रख लेना है। ये देखिए, ये चारों तरफ इसी सर्कल पर आप रख करके बनाएंगे, और फिर इसी सर्कल को ऐसे ओपन कर लेंगे, जितना आएगा उसको आप स्केल से मेजर कर लेंगे। तो कह रहा है कि जो आपको ऐसा करने पर आता है, इसको नापने के बाद उसको वेरीफाई करिए अपने फार्मूले से। फार्मूला आपका क्या है? 3.14 मल्टीप्लाई डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर अगर रेडियस 3.5 है, रेडियस मतलब इतना 3.5 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? ये 3.5 है और इधर भी 3.5 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 3.5 + 3.5 d = तो ये d आ जाएगा 5 5 10 3 3 6 और 1 7, तो d आपका क्या आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ जो d है इसी की जगह 7 आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 28 कैरी हुआ 2, 7 7 और 2 9 और 7 3 21, तो 21.98 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। ये जो आया है इसी को आप इस सर्कल को बनाने के बाद जो थ्रेड उस पर रख करके नापेंगे उसको स्केल से नापिए, तो यही आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करने के लिए इसने कहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं या 2 देखते हैं। देयर आर 7 राउंड टेबल्स एट ए पार्टी, द रेडियस ऑफ ईच टेबल इज 20 सेंटीमीटर, हाउ मच लॉन्ग रिबन इज रिक्वायर्ड टू कवर दीज 7 टेबल्स। 7 टेबल रखे गए हैं और देयर आर 7 राउंड, राउंड टेबल मतलब ऐसे ऐसे जैसे ये सर्कल है, इस तरह के 7 टेबल रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 6 और 7 ऐसे रखे गए हैं। इसको पूछ रहा है यहां से यहां तक कितना लंबा रिबन लगेगा, तो मतलब क्या है कि आप जो है इसमें रेडियस कह रहा है कि द रेडी ऑफ ईच टेबल इज 20 सेंटीमीटर, हाउ मच लॉन्ग रिबन इज रिक्वायर्ड टू कवर दीज 7 टेबल्स, तो कितना रिबन लगेगा इसको कवर करने के लिए। तो ये आपको जो है इसका सरकमफ्रेंस आप एक सर्कल का फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसका आप एक सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, उसी में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। होमवर्क में आप लिख लीजिए, होमवर्क डू एक्सरसाइज
14.2. One more video I will make from this exercise. After that, this exercise will be finished, means this chapter will also be finished. So that's all for today. Jai Hind, Jai Bharat.